बोल सकते हैं। ये मेन केबिन है और ये बाहर है और हमने यहाँ अपना गाड़ी पार्क किए हैं और देख सकते हैं बाहर सभी तरफ पूरा लॉज ही है। और इधर सामने से लेफ्ट तरफ है जगन्नाथ मंदिर, जो भी हम जाने वाले हैं सब कोई, सब भाई लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और ये भैया जो पैसा पे कर रहे हैं गाइस। अभी हम पूरा बाहर से अपना लॉज दिखाने वाले हैं आप लोगों को। इधर देख सकते हैं हम लोग इसमें रुके हैं अभी, लक्ष्मी लॉज। कार है मंदिर रूम से अभी निकले हैं, ये मंदिर वाला रोड है, इधर रूम था हम लोग का। मार्केट एरिया है मंदिर के साइड में, जो है मंदिर से लगा हुआ। पूरी में अगर आपको रूम लेना है तो मंदिर के पास में ही लीजिए रूम, क्योंकि इधर रेट सही है और बीच तरफ में तो बहुत रेट है, इसलिए रूम लेना है तो मंदिर। गणेश चतुर्थी के टाइम में आए हैं इसलिए इधर झांकी निकला हुआ है और गणेश बैठा हुआ है जगह जगह। ये यहाँ का झांकी मंदिर के थोड़ा सा पहले है। ये मंदिर शंकर भगवान और गणेश भगवान के जो है मूर्ति है अंदर में। ये झांकी यहाँ का और इधर का मार्केट कुछ ऐसा है, पूरा टूरिस्ट आते हैं घूमते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे दुकान वगैरह मार्केट कुछ भी चीज के लिए। अब रेट गाइस हम लोग जाके पूछते हैं क्या क्या रेट में मिलते हैं। सामने दिख रहा वही मंदिर है, आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, ये मंदिर है जगन्नाथ। अभी अपन लोग यहाँ पे जाएंगे, पूरा जितने हैं ये मंदिर के लिए ही है, जितने लोग जा रहे हैं पूरा अपन लोग भी वही जा रहे हैं। देखते हैं अंदर में कैमरा अलाउ है कि नहीं। गाइस ये अपना ये सब अपना अपना दुकान लगा के रखे, देखते हैं क्या क्या रेट रहता है यहाँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्कूल वाले बच्चे, स्कूल जो चालू है अभी। ये भी एक गणेश पंडाल लग रहा है, हम उसको देखते हैं गणेश भगवान बैठे हैं अंदर में। आप लोग देख सकते हैं ये गणपति बाप्पा जो यहाँ बैठे हैं मंदिर के जस्ट थोड़ा सा पहले। गाइस तो हम लोग मंदिर पहुँचने ही वाले हैं जस्ट, आप देख सकते हैं व्यू ऐसा है मंदिर का व्यू। आगे पीछे देखते हुए ही चले हाँ, यहाँ से मंदिर पहुंच चुके हम लोग पास में। और ये मंदिर और कुछ देखो इधर मंदिर बहुत ही प्यारा है जगन्नाथपुरी जो ये मंदिर है। और भीड़ भी बहुत ज्यादा है अंदर मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अंदर जाने का जगह नहीं मिल रहा, जूता चप्पल रखना सही नहीं, कहीं पे हम लोकेशन नहीं गिरे जहाँ पे अपना चप्पल सेफ हो जाए, क्योंकि गाइस अपना चप्पल लेके जाएगा तो हम लोग यहाँ इतना धूप है कि बिना चप्पल के नहीं चल सकते, चेहरा काला हो जा रहा है, चेहरा काला हो जा रहा है गाइस, धूप इतना ज्यादा है कि ना आपको बता नहीं सकते। मेरा हालत खराब हो चुका है गर्मी से। ये मंदिर का फ्रंट व्यू है एकदम सामने से, तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा दिखता है। ये कैमरा अंदर अलाउ है कि पता नहीं, अभी जाएंगे तो पता चलेगा अंदर से।
अभी बाहर से आप व्यू देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है सामने सामने व्यू फ्रंट वाले से। कहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि कहीं भी रखना दिक्कत नहीं है, जो बाहर दिख रहे हैं कहाँ पे रखते हैं तो उसकी दुकान में अपने चप्पल चप्पल को जो है रखे हैं यहाँ पे, अपन हाथ वाथ धोएंगे पैर को फिर अंदर जाएंगे। और धूप इतना ज्यादा है कि पैर इतना जल रहा है कि आप बता भी नहीं सकते। देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी है, इसको आप पी सकते हैं, यहाँ पे हाथ पैर धो सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये अपना पूरा ग्रुप है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे मंदिर में एंट्री लेने वाले हैं तो आप लोग देख सकते हैं। और ये अपना हो गया पंडाल जी अपने ऊपर, तो अब अंदर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एंट्री लेंगे। और ये भैया देखिए बांसुरी वाले भैया देख सकते हैं बांसुरी, और ये तोता भेज रहे हैं यहाँ पे, आपको बता नहीं सकता बाबा लोग से बिल्कुल दूर रहे गाइस, क्योंकि उन लोग आपके एक टिकट लेने के चक्कर में आपको 1000 रुपये का चोट लगा सकते हैं, इसलिए उनसे जितना ज़्यादा होता कि दूर रहें, क्योंकि गाइस हम लोग को उन लोग का उड़िया भाषा आता नहीं तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते, हिंदी वाले हैं हम और इंग्लिश समझते नहीं है। तो यहाँ पे एक व्यू ऐसा है, आजू बाजू को देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं, देख सकते हैं भीड़ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, मैं चोरी चोरी आपको वीडियो बना रहा हूँ दिखा रहा हूँ, यहाँ सामने पुलिस वाला बैठा है, बंद करना पड़ेगा फिर से मेरे को, देख सकते हैं आप लोग।